यहाँ मुर्दे भी बोलते हैं। DIG से मिलने पहुँची महिला की एक वर्ष पूर्व हो चुकी है मृत्यु। बरेली। जी हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, जहाँ एक मुर्दे की गवाही देने पर एक होटल KCRO और उसके बुजुर्ग माँ बाप पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली के DIG कार्यालय ICRO ने बताया कि कुछ साल पहले एक धार्मिक स्थल पर उसकी मुलाकात एक महिला से हुई और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत हो गई और दोनों ने विवाह कर लिया। बाद में पता चला कि उस महिला की शादी पहले ही हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि जो महिला DIG से मिलने आई थी, उसकी मौत लगभग एक वर्ष पूर्व हो चुकी है और उस मृत महिला को CRO की पत्नी बताया गया। प्यार, फरेब और धोखा इस लव मिस्ट्री की नींव है, जिसकी कहानी एक प्रेम कथा से चलकर लालच और धोखे पर टिकी है। मामला थाना निगोही का है, जहां एक ऐसी लव मिस्ट्री ने जन्म लिया जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। एक आम इंसान को एक तांत्रिक बना दिया गया, जबकि उसकी बेगुनाही के सबूत पुलिस की करतूत को उजागर करने के लिए बहुत है। अनुचेतन सरस्वती जी, क्या मामला? मामला ये है कि इसमें जो है, जो हमारी वाइफ बता रहे हैं, ये हमारी वाइफ नहीं है, मृतक को भी साबित कर दिया, मृतक को भी हमारी वाइफ जो है बना दिया है ना। उसको कम से कम एक साल पहले ही वो ख़त्म हो चुकी, वो अपने मायके में ख़त्म हुई। उसकी शादी जो है हरदोई में शाहबाद में हुई है ना। और ये जो है पैसे ऐंठने का सारा मामला है मेरे पर। मैं कोई बाबा वाबा नहीं हूँ, मैं अपना CRO का जॉब करता हूँ प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में। मैंने होटल का मैनेजमेंट कर रखा है ना, और मैं अपना जॉब पहले करता था। ये हमसे पहले भी 3 लाख रुपए ऐंठ चुके ये लोग। और नीतू है, नीतू पीलीभीत की, ये जो है उसका रवि की पत्नी है ना। और जो पिंकी है, ये सत्यवान सिंह की पत्नी है। और जो ये क्या नाम शांति है, ये भी, इसकी भी शादी जो है क्या कहते हैं इसको शाहबाद में हुई है। ये सब के सब मेरे को फंसाने के उसमें है ना। थोड़ी सी रंजिश हो गई, रंजिश के कारण ये मेरे को बिल्कुल वो करने नहीं। और बाबा के नाम पर हाईलाइट कर दिया इन लोगों ने। मैं है आपके ऊपर आरोप क्या लगाया इन लोगों ने? आरोप लगाया है कि इन्होंने मेरे साथ छेतर की है और धंधा करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं छेतर करवाऊँ, धंधा करवाऊँ, मैं क्यों अपनी कोई अपनी पत्नी का धंधा ये सब कुछ करवाता है क्या? मैं कोई धंधा वंधा नहीं करवाता, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, साधारण से अपने जीवन जीता हूँ। इन लोगों ने मुझको हाईलाइट कर दिया है। आरोप है कि आपकी 5 पत्नियाँ हैं, ये कहाँ तक सही है? ये कोई सही नहीं है, ये सब निराधार जो है बिल्कुल गलत है, सब कुछ गलत, बिल्कुल गलत है। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, और नहीं दोषी हूँ तो इसकी जो है जांच की जाए। DIG के यहाँ दिखाया गया है कि ये महिला मर चुकी है 1 साल पहले, तो उन्होंने DIG साहब के यहाँ क्या शिकायत करी? DIG साहब के यहाँ शिकायत करी कि ये इनकी वाइफ है, हालांकि वो मेरी वाइफ नहीं है। हाँ, पिंकी की बहन है, ये पिंकी की बहन है जो कानपुर में है ना। और ये मर गई है पहले से ही। कितना समय हो गया इसको इसको मेरे को पता नहीं, कम से कम 1 साल इसको हो गया है। ये अपने मायके में, इसकी शादी तो हरदोई शाहबाद में हुई है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी छानबीन की जाए, अगर मैं दोषी पाऊँ तो मुझे जेल भेजा जाए, है ना। ये 5 पत्नी आपकी नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। इसके कारण ये झूठे आरोप लगाए, पैसा ऐंठने के। पहले भी ये 3 लाख रुपए मुझसे ले चुके हैं। कौन? ये नीतू। अब की जो है आपकी पिंकी को भी साथ में ले लिया, अब की और जो है महिलाएं उनको भी साथ में ले लिया, जो कि मैं जानता भी नहीं हूँ। हु इज दिस, है कौन ये? NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।